नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दिनेश पाठक शशि को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य भारती पुरस्कार की हुई घोषणा। राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत गत 46 वर्ष से हिंदी साहित्य के सृजनधर्मी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने वर्ष 2021 का सर्वोच्च बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2.5 लाख रुपए राशि के रूप में उनके संपूर्ण बाल साहित्य लेखन के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि की अब तक 36 पुस्तकें मूल तथा 14 पुस्तकें उनके द्वारा संपादित, कुल 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही इन्होंने हिंदी साहित्य की 9 पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनकी 20 पुस्तकें अमेजोन एवं फ्लिपकार्ट पर भी पढ़ी जा सकती हैं। इनके साहित्य पर एक शोध कार्य हो चुका है तथा इनके बाल साहित्य पर अन्य 2 शोध कार्य हो रहे हैं। इनकी 3 बाल कहानियां कक्षा 1, 4 एवं 6 के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की जा चुकी है। ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा सलाहकार समिति के लिए 5 वर्ष हेतु चयनित सदस्य हैं। इनकी बाल कहानी भूल पर शॉर्ट फिल्म का निर्माण हो चुका है। इन्हें भारत सरकार के प्रेमचंद पुरस्कार, भारत सरकार के लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का श्रीधर पाठक नामित पुरस्कार, नागरी प्रचारणी सभा आगरा का पुरस्कार, बाल पुस्तक न्यास दिल्ली सहित अब तक 3 दर्जन से अधिक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा चुका है। इनके हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखी गई सहस्त्राधिक रचनाएं सन 1975 से देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित तथा सन 1980 से आकाशवाणी दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से प्रसारित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।